आई रिमेम्बर मेरा ऑल टाइम बेस्ट एवरेज 11 सेकेंड्स था, इसीलिए पिछले एक हफ्ते से आई बीन वेरी डिसअपॉइंटेड। सॉरी यश अगर तुझे लगा कि हमें ये नहीं मिला, काफी अलग टेस्ट है। अभी 4:53 हुआ है और मुझे और नील को दुकान जाना है एक इम्पोर्टेंट चीज खरीदने के लिए। कल जब मैं आर्यन के घर पे था तो मैं और आर्यन ने बहुत सारे सालों के बाद एक ऑफिशियल कंपटीशन जैसे एवरेज ऑफ 5 लिया और सैड की प्रैक्टिस ना करने की वजह से हम दोनों का एवरेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। आई रिमेम्बर मेरा ऑल टाइम बेस्ट एवरेज 11 सेकेंड्स था। एवरेज ऑफ 5 में कैसा किया जाता है, हम 5 सॉल्व करते हैं और उन 5 सॉल्व में से हमारा बेस्ट सॉल्व और वर्स्ट सॉल्व निकाला जाता है और फिर 3 बचे हुए सॉल्व्स का एवरेज या मीन जो भी बोलो वो लिया जाता है। अब वो मेरा ऑल टाइम बेस्ट 11 सेकंड्स था और कल जब हमने ये एवरेज ऑफ 5 ट्राई किया तब मेरा 16.9 या कुछ आया, 16.9 17 सेकंड्स विच इज़ वेरी बैड बट इट्स ओके। आई थिंक अभी हम वापस धीरे धीरे स्पीड क्यूबिंग में एंटर करने वाले हैं। और हम दोनों के बीच में कल बातचीत हो रही थी कि जब ये सारे केसेस का सिचुएशन बेहतर होगा और जब कॉम्पिटिशन वापस चालू होंगे तो हम दोनों एक बार बस एक्सपीरियंस और मज़े के लिए एक स्पीड क्यूबिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो दैट शुड बी फन। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया बट मुझे खुद की कॉफ़ी पसंद नहीं आ रही है। मैं जो यूजुअल कॉफ़ी बनाता हूँ वो मुझे आई डोंट नो मैं वो भूल गया हूँ मैं पहले कैसे बनाता था, इसीलिए आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और आई थिंक पहले मैं ब्रू इस्तेमाल करता था या नेस्कैफे इस्तेमाल करता था और अब मेरे घर पे कोई दूसरी कॉफ़ी है। आई एम नॉट टू श्योर क्योंकि ये सब कुछ जो रीस्टॉक होता है वो मेरे मम्मी पापा ही लाते हैं, इसीलिए पिछले एक हफ्ते से आई हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का जो और जो टेम्पटेशन आता है वो फुलफिल नहीं हो पाता बिकॉज मैं अच्छी कॉफ़ी बनाना भूल गया हूँ। सो इसीलिए पता है हम क्या करने वाले हैं। अगर आपको याद है मैं कुछ महीने पहले कोलम्बियन कॉफ़ी लाता था घर पे, जो फ्लेवर्ड कॉफ़ी रहती थी आइस मिंट और ये सारे दूसरे फ्लेवर से। आर्यन डबल चॉकलेट लेके आया था बट आई थिंक मैं दोराबजी जाके वो लेके आऊँगा, उससे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी आएगा क्योंकि बार बार वो पीकर सचमुच दिमाग खराब हो गया। ऑल्सो यश शर्मा थैंक यू ये टी शर्ट भिजवाने के लिए। ये 1RM से है, ये एक्चुअली आर्यन के घर पे आया था और फनी स्टोरी आर्यन मुझे बताना भूल गया कि ये टी शर्ट यश ने भिजवाया है, इसीलिए वो मुझे आई थिंक 3 हफ्ते लेट मिला। बट सॉरी यश अगर तुझे लगा कि हमें ये नहीं मिला। लेट्स ट्राई दिस ऑन। फिटिंग तो वैसे काफ़ी अच्छी होगी, पिछले वाले 1RM टी शर्ट की भी फिटिंग अच्छी थी। वो ये काफ़ी टाइट लग रहा है। बाय। एंड द रीज़न कि मैं दोराबजी दोपहर को या शाम को नहीं जा रहा इज़ बिकॉज सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दोपहर को अगर मैं जाऊँगा मेरी स्किन पूरी बर्न हो जाएगी, इसलिए अभी भी जाने से पहले मैंने बहुत सनस्क्रीन लगाया है। और दूसरा रीज़न है कि कल फॉर सम ऑड रीज़न सारे दुकान 11 बजे ही उन लोगों ने बंद कर दिए और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 6 से 6 बजे सारे दुकान ऑलमोस्ट खुले रहते हैं, जो भी उस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो सारे शॉप्स खुले रहते हैं। बट मुझे बेकार में आज वो रिस्क नहीं लेनी है। अभी 10:30 हो चुके हैं, हम जल्दी से दोराबजी जाएंगे। फिंगर्स क्रॉस वो खुला है क्योंकि मुझे डेस्परेटली कॉफ़ी की ज़रूरत है। ये दोराबजी का फेवरेट पार्ट है। मुझे एक 10 मिनट काम करने को दोराबजी में आधा घंटा लग गया। तो चेक दिस आउट, मैं जिस ब्रांड की कॉफ़ी लेने के लिए गया था उस ब्रांड के पास इस कॉफ़ी के 2 वेरिएंट्स होते हैं। सबसे पहला वेरिएंट एक 100 ग्राम का पैकेट होता है और दूसरा एक 50 ग्राम्स का। अब मैं जो पैकेट यूजुअली इस्तेमाल करता हूँ वो 50 ग्राम्स का छोटा बॉक्स रहता है जिसमें बहुत सारे साशेज रहते हैं। अगर आपको याद है लास्ट टाइम जब मैंने आइस मिंट फ्लेवर लिया था मैंने वो वाला वेरिएंट लिया था बट प्रॉब्लम है कि वो वाला वेरिएंट इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं पड़ता। ये मुझे ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम दे रहा है इन लेस प्राइस। अब देखो प्रॉब्लम है कि मुझे आइस मिंट फ्लेवर का बड़ा पैकेट चाहिए था बट दोराबजीज में वो सैडली अवेलेबल नहीं था और हेज़लनट एक ऐसा फ्लेवर है जो मैंने ट्राई नहीं किया है, इसीलिए मैं वहाँ पर 20 मिनट के लिए बस सोच रहा था कि इसका बड़ा पैकेट लूँ कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे ये पसंद नहीं आता तो ये पूरी कॉफ़ी मुझे फोर्सफुली ख़त्म करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ नॉट गुड। इसीलिए इन दी एंड मैंने डिसीजन लिया कि चलो ले लेते हैं। आई टेक द रिस्क। हाउ बैड कैन हेज़लनट बी। ओके अब टाइम आ गया है एक टेस्ट टेस्ट करने का, बट इसके साथ मैं नाश्ता भी करने वाला हूँ। 2 अंडे एज ऑलवेज मैंने फेल किया, ये योक टूट गया पहले, और एक चिकन सैंडविच थोड़े से प्रोटीन के लिए। ओके बहुत 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 ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैं ये कॉफ़ी बना रहा था इससे खुशबू बहुत ही प्रीमियम आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। नॉट बैड, काफ़ी अलग टेस्ट है। एक ही अच्छी चीज़ है कि कॉफ़ी और हेज़लनट के बीच का जो रेशियो है वो बैलेंस जो है वो परफेक्ट है, वरना कई सारे फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर चॉकलेट फ्लेवर है तो चॉकलेट कॉफ़ी को डोमिनेट करेगा और फिर कॉफ़ी की टेस्ट आएगी ही नहीं। बट नॉट बैड, मैं कहूँगा कि मुझे आइस मिंट इससे ज़्यादा पसंद आता है, बट एक चेंज के लिए आई एम हैप्पी। और मुझे ये भी कमेंट्स बहुत अच्छे लगता है जब लोग बोलते हैं कि उन्हें एंग्जाइटी आती है कि मैं प्लेट इतने कोने में रखता हूँ, बट वो एस्थेटिक परफेक्ट शॉट के लिए ये सब करना पड़ता है। हाँ आज हम क्या ट्रेन करने वाले हैं नीरज? I will I think probably do arms mostly because my back still sore. Chess's possession was too good bro. Everything is fried. Yeah, अच्छे से ना? Chess is gone. मेरा भी chess बहुत sore है. You just walk right out the door. Don't want to do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we had? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done सारा पसीना आया है। अभी 4:53 हुआ है और मुझे और नील को दुकान जाना है एक इम्पोर्टेंट चीज खरीदने के लिए। मुझे लोगों की गाड़ी का जो फ्रंट कंपार्टमेंट है उसको स्टॉक करने में बहुत मजा आता है, हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। यो भैया कैसे हो? बस मजे में, निकल ही आता है। हम खेल पाएंगे कौन रुक बिशप, या हम क्या बोलते थे? हॉर्स हॉर्स एंड कैमल कैसलिंग। ओके देन दिस शुड बी फन। सो 2 हफ्ते पहले मैंने नेटफ्लिक्स पे द क्वींस गैम्बिट नाम का एक बहुत बढ़िया शो देखा जिसकी सिनेमाटोग्राफी 10 आउट ऑफ 10 थी, स्टोरी टेलिंग 10 आउट ऑफ 10 थी। और वो जो शो है दैट इज एक्चुअली अबाउट चेस, वो एक ऑर्फन के ऊपर है जो ऑर्फनेज में चेस खेलना सीखती है एंड शी गोज ऑन टू बिकम अ चैंपियन। सो मैं और नील ने कल रात को एक फ्रेंडली 1-on-1 चेस गेम खेला, बट द प्रॉब्लम वाज हमारे पास एक चेस बोर्ड नहीं था, इसीलिए मुझे फोन पे एक ऐप पे खेलना पड़ा। सो टुडे वी वेंट एंड गॉट दिस। और कल बाय द वे मैंने नील को हराया बाय 1 मूव बिकॉज़ इट वाज माय मिस्टेक, इट वाज स्टूपिड मूव, बट मिस्टेक इसकी थी, बट मैं जीत गया। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, इसीलिए आज इसको खुद को रिडीम करना पड़ेगा। एंड वी गॉट अ चेस बोर्ड। नील